मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम। कल हमने पढ़ा व्याकरण क्या है, व्याकरण की भाषा में क्या आवश्यकता है, भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा तथा भाषा का वर्गीकरण। तो भाषा को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, स्वरूप के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो कल हमने अध्ययन किया स्वरूप के आधार पर भाषा के भेद। तो स्वरूप के आधार पर भाषा के दो भेद है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है, और जब हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। और आज हम प्रयोग के आधार पर भाषा के भेद का अध्ययन करेंगे। तो प्रयोग के आधार पर भाषा के चार भेद है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। विश्व के दो अथवा दो से अधिक राष्ट्रों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी? अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। नंबर दो, राष्ट्रभाषा या राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्र साधारण शब्दों में कहे तो राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिसे देश के अधिकतर लोग बोल व समझ सकते हैं, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता में भी सहायक होती है। नंबर तीन, मातृभाषा। मातृभाषा जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है, जब जन्म या फिर पैदा होने के बाद मनुष्य जो प्रथम भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है, उसे उसकी मातृभाषा ही कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक व भाषाई पहचान होती है कि वह कौन से समाज से है, कौन से एरिया से बिलोंग करता है, ये पहचान उसकी मातृभाषा से पता चलती है। मनुष्य सभी संस्कार इसी मातृभाषा में करता है। नंबर चार, बोली। सीमित क्षेत्र के लोगों द्वारा आम बोल चाल की भाषा में बात की जाती है उसे बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र मतलब सीमित क्षेत्र के अंदर कुछ पर्टिकुलर सीमित एरिया होता है, वहां पे आम साधारण भाषा में बातचीत की जाती है वह बोली कहलाती है, क्षेत्रीय बोली कहलाती है। अतः बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। प्रत्येक भाषा का विकास बोलियों से ही होता है। जब बोलियों का मानवीकरण हो जाता है तो वह भाषा का रूप ले लेती है। अनेक बोलियां मिलकर किसी एक भाषा का को समृद्ध करती है। तो भारत में निम्नलिखित बोलियां भी है, और एक और कि पशु पक्षी अपनी भावों अभिव्यक्ति के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उसे भी बोली कहते हैं। जैसे शेर का दहाड़ना शेर की बोली कहलाती है, घोड़े का हिन हिनाना घोड़े की बोली कहलाती है। और तो निम्नलिखित बोलियां हैं, हिंदी में अनेक बोलियां हैं, भारत में कुल 18 बोलियां हैं। उनमें जिनमें से है अवधी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ोती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंचपदनिया, कमाऊनी, मंगही आदि। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च कोटि के साहित्य की भी रचना हुई है, जैसे इनमें ब्रज भाषा और अवधि में बहुत ही उच्च कोटि के साहित्य की रचना की गई है। धन्यवाद।